डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बचाव कृती समितीतर्फे उत्तर नागपुरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयाचे भूमिपूजन करून कार्य न करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारचे षड्यंत्र हाणून पाडण्याकरता राज्यातील शिंदे फडणवीस पवार सरकार विरोधात इंदोरा येथे बेमुदत जनआंदोलन सुरू करण्यात आलं असून मागील 32 दिवसापासून हे आंदोलन सुरू आहे. उत्तर नागपुरातील माजी नगरसेवकांनी आज उपोषणस्थळी उपोषण करून या आंदोलनाला समर्थन दिलं आहे. यहाँ ये आंदोलन पे बैठने का सबसे मुख्य मकसद ये है कि हम जिस परिसर में बैठे हैं यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय स्थापित है और इस रुग्णालय को एक्सटेंशन देने के लिए पिछली सरकार ने पैसा मंजूर किया था. यहाँ पर एक बड़ा सा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल 500 बेड का बनने वाला था तो पिछली सरकार ने उसे मंजूरी देने के बाद उसे पैसा भी मंजूर किया था. लेकिन नई सरकार के आने के बाद हमको ऐसा पता चला कि जो इस प्रदेश के माजी मुख्यमंत्री और फिलहाल में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ से म्यान शिफ्ट करने का इरादा किया है. तो उस बात की जानकारी जैसे ही मिली तो एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कृति समिति का गठन किया गया और उस कृति समिति द्वारा ये आंदोलन का आयोजन किया गया ताकि सरकार जो अंधी बहरी बैठन के बैठी हुई है उसको ये चीज़ दिखे कि जनता की भावना दिखे. इसलिए ये आंदोलन में हम लोग यहाँ बैठे हैं. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय बचाओ कृति समिति द्वारा आयोजित पिछले 32 दिनों से ये जन आंदोलन चल रहा है. इसमें आज हम सब माजी नगर सेवक मोहम्मद जमाल, मुरली मेश्राम, मैं सुरेश जग्यासी, हमारे महेंद्र भाऊ बोरकर, असलम खान और काफ़ी सभी लोग हम आज इस आंदोलन को समर्थन देने आज उपोषण पे बैठे. आज सवेरे से हम लोग, हमारी यही मांग है कि जिस स्वरूप में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये हॉस्पिटल और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट को मान्यता पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार ने दी थी, यानी कि 1165 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट था उसको पूर्णता अक्षरशा लागू किया जाए. इस सरकार ने पहले तो ये एक काम किया कि इस काम को रोकने का पूरा पूरा प्रयास किया. हम लोग जब उनसे मिलने जाते थे आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत साहब के नेतृत्व में तो हमें ये कहा जाता था कि आपके लिए हम काम शुरू कर रहे, जल्दी कर रहे, अधिकारियों को हमारे सामने निर्देश दे देते थे, मगर उन्हीं अधिकारियों को पीठ के पीछे रोकने को कहा जाता था कि काम मत करो करके.